हेलो गाइज, मैं निर्मल, आप सभी का कंप्यूटर लॉजी में स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम मिनिमम फॉन्ट साइज कितना ले सकते हैं और मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना ले सकते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली इंटरव्यू में पूछा जाता है, कई बार हम इंटरव्यू में जाते हैं क्योंकि जो साइज से रिलेटेड जो हमारा वर्क होता है वह एप्लीकेशन में होता है, मीन्स कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। लेकिन कई बार एक्सेल में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आज उसको बिल्कुल एकदम ईजी तरीके से यूज करके देखते हैं प्रैक्टिकली। ओके, मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन किया हुआ है। देखो अभी बाय डिफ़ॉल्ट होम टैब सेलेक्टेड है, यहाँ पे फॉन्ट साइज दिखा रहा है 11। ओके, अब मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करता हूँ, मैंने जैसे 1, 2, 3 टाइप किया। ओके, अब जो मिनिमम जो फॉन्ट साइज है वह होता है 1 पॉइंट और मैक्सिमम होता है 409 पॉइंट। तो उसको हमें देखना हो प्रैक्टिकली, कई बार हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, होम टैब में जहाँ पे फॉन्ट साइज का बॉक्स आएगा वहाँ पे हम 0 टाइप कर देंगे। जैसे ही कीबोर्ड से 0 टाइप करेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे एक मैसेज बॉक्स, मतलब मैसेज बॉक्स में एक मैसेज आएगा। देखो डायलॉग बॉक्स में फॉन्ट साइज मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 409 पॉइंट्स। मीन्स कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्क कर रहे हो, वहाँ पे जो फॉन्ट साइज की लिमिट है, आप कम से कम एक साइज ले सकते हो फॉन्ट का, 1 ले सकते हो, और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 409 पॉइंट। ओके गाइज, प्लीज़ आप एक बारी, आपके पास जो भी वर्जन होगा आप उस पर प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखना, और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको और इंटरव्यू लेवल में पूछा जाता है। थैंक यू गाइज।